पंजाब असेंबली के ऐवान में पहली करारदाद जमा हो गई है। एमपी मोहसिन लगारी ने जनूबी पंजाब सूबे के हक में आवाज उठा दी है। मोहसिन लगारी ने करारदाद में जामपुर तहसील को जिला बनाने का भी मुतालबा किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी मोहसिन लगारी का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब असेंबली के ऐवान में पहली करारदाद जमा हो गई है। सवाल से मुझे तफसील जानेंगे तैयब सैफ से। जी तैयब, जो असेंबली का इजलास मुनक्किद हुआ है पहला, और उस पहले इजलास के अंदर पहली जो करारदाद मंजूर की गई है वो जनूबी पंजाब के हक के लिए उठाई गई है। पीपी 293 के ऊपर मुंतखब होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी मोहसिन लगारी ने तहसील जामपुर को जो है जिला बनाने के हवाले से करारदाद वहां पर पेश कर दी है, और उस हवाले से बकायदा बात हुई है। जबकि करारदाद के अंदर ये लिखा गया है जिसका मदन है वो यही है कि तहसील जामपुर को बकायदा जिला बनाया जाए जबकि राजनपुर से उसको अलग कर दिया जाए, क्योंकि राजनपुर से तहसील जामपुर का एक रकबा भी ज्यादा है और आबादी भी ज्यादा है, तो टेक्निकली बुनियादों के ऊपर जामपुर जो है वो जिला बनने के लिए अहमियत रखता है। तो इसलिए उसकी आवाज़ जो है वो उठाई है उन्होंने, और उनका मुतालबा है कि जामपुर को बकायदा तौर पर जिला बना दिया जाए। जबकि मोहसिन लगारी जो है उन्होंने अपनी इंतखाबी कंपेन में आवाम से वादा भी किया था, और उन्होंने सबका डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था शेर अली गुरचानी, उनको शिकस्त दी थी, और इसी बुनियाद के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था कि वो जामपुर को जिला बनाएंगे। बहुत शुक्रिया तैयब, आप हमें अपडेट कर रहे थे।